भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम गति कर मोला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम गति कर मोला आशोत भगत जय हरियो भजन मोला माधव तीर्थ भक्ति जननी जतन पालना करी माधव भक्ति जननी जतन पालना जतन पालन कारी कृष्ण बसती बसती भोले परमादरी Thank you.
Yeah.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजानुलंबितभुजौ कनकावतारौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ निजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपे सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते भजामि राधांग वरविंद नेत्रां स्मरामि राधांग मधुरस्मितास्यां वदामि राधांग करुणाभराद्रां ततो ममन्यास्ते गतिर्न क्वापि वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रजदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या याद है? इसलिए महाप्रभु भक्तों को साथ में नरेंद्र सरोवर में
स्नान कर रहे थे बच्चे जैसे, कभी स्नान किया हो बचपन में? ये है ना, हमेशा लोग तब किया हो, इसलिए बचपन में जैसे एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकता है, जैसे पानी में ऐसे आवाज करते हैं, कान दे तो उसमें आवाज आती है, ऐसे महाप्रभु भक्तों को साथ में जल विहार करते जैसे बच्चे हैं, हैं? क्योंकि भक्ति ऐसे की चीज है, कहते बड़े बड़े वृद्ध लोग सब हैल शिशुमति, इसका मतलब होता है भक्ति में जब आओ भले ही जितने बड़े बूढ़े क्यों नहीं हो जाओ, जैसे हमारे दादू जी है, हमारे श्यामानंद प्रभु साथ हाथ पकड़ कर नाच रहे थे, कहते ये सब जितना उम्र होता है ना भक्ति के अंदर में क्या गंभीरता आता है, लेकिन भक्ति ऐसे की चीज है, लेकिन जब भक्ति आने पर बड़े बड़े वृद्ध लोग बड़े बड़े बूढ़े लोग भी हल्लो शिशुमति, उनका जो मति है ना वो बच्चा जैसे मति रहता है, कभी वो स्वस्थ नहीं, हम इतने बड़े हो गए, मंदिर में कितना साल हो गया होगा, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल ही मंदिर में आए और इतना दिन मंदिर में बीत गया, ऐसे क्यों होता है? कारण है जब दुख में जीवन जाता है ना, एक पल पल इतना कठिन दुख, एक पल पल, लेकिन जब आनंद आता है पता नहीं समय कैसे बीत जाती है, पता ही नहीं चलता समय कब हमारी चला गया, कारण क्या बोले आनंद में, आनंद ऐसे के चीज है, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहा स्वयं कृष्णचंद्र, अद्वैत आचार्य कहा महाविष्णु सदा से, और नित्यानंद प्रभु का बलदेव है, और वहां पर जितने भक्त लोग श्रीवास आदि नार सब बच्चे जैसे भाई एक दूसरे को फटकते, बच्चे लोग करते ना, बड़े बूढ़े थोड़ी करते, लेकिन ये लोग बच्चे जैसे एक दूसरे को पानी फेंक रहे, लेकिन वहां पर जो बड़े बड़े व्यक्ति थे जो और दूसरे कहते ये क्या है, है? हर जो सन्यासी होता है कौपन्य बनत खलु भाग्य बनत वेदांत सूत्र सदारमंत, सन्यास का क्या धर्म है? कहते कौपन्य बनत, कौपन्य धारण करना है, वेदांत सूत्रों को हर समय वेदांत सूत्र रखना, हर समय ध्यान लगना, ब्रह्मास्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानां ब्रह्म सर्वं खलेदं ब्रह्म सभी ब्रह्म है हम ही पूरी ब्रह्म है, इसलिए एक ब्रह्म, ये तो होता है सन्यासी का धर्म, ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु बच्चे जैसे, ये बच्चों को समझा तो बच्चे जैसे खेल रहे हैं आपस आपस में, इसलिए कहते भगवान ऐसे क्यों लीला कर रहे थे, कारण क्या है? बोले कारण है कहते अनुग्रहाय भक्तानां करोमि, अगर भगवान ऐसे लीला नहीं करते हम क्या सुनते, अगर ब्रह्म जो लोग अपने ब्रह्म मानते चुपचाप अगर बैठे रहे कोई लीला है उनका, कुछ लीला ही नहीं, लेकिन भगवान एकदम नरवध लीला करते हैं, ऐसे लीला करते हैं जिन लीला को सुन करके हमारे मन उसमें अभिष्ट हो जाता है, मन उसमें अभिष्ट ऐसे नरवध है, इसलिए वेदांत सूत्र में बताया लीला लोकवत लीला कैवल्यम, भगवान एकदम साधारण इंसान जैसे लीला करते हैं, भगवान ऐसे ही इंसान जैसे लीला करते, बोले क्यों? अगर कोई अपराध दिव्य वस्तु हो ना हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा, हम उसको सोचेंगे नहीं, लेकिन साधारण व्यक्ति जैसे हो ना हमारा कान खड़ा हो जाता है, हम भी जैसे बचपन में करते थे भगवान भी जैसे बचपन में कर रहे, जैसे कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे हैं, मक्खन चोरी कर रहे हैं कृष्ण, घर में जाकर नटखट करते किसी बच्चे को चिमटी काट देते हैं, किसके बाल को बांध देते हैं, हैं? ऐसे कर रहे हैं, और कृष्ण कैसे घर घर में मक्खन चोरी कर रहे हैं, हैं? जिसको सुन कर वहां पर कौन बैठेगा, वहां जो बैठ कर कथा सुन रहे कौन बैठ करके सुन रहे हैं, व्यास पराशर नारद वशिष्ठ बड़े बड़े ऋषि लोग बैठ कर कथा सुन रहे और सबके सब हंस रहे थे, कृष्ण जैसे बचपन में जैसे करते हंस रहे थे, ये सब हंस रहे थे, साधारण व्यक्ति बैठे नहीं वहां पर बैठ कर कथा नहीं सुन रहे, इतने बड़े बड़े, बोले क्यों? कारण क्या? जिसको सुन करके लोग का मन एकदम उसमें डूब जाए है, लेकिन साधारण बच्चे का अगर ऐसी कथा सुनेंगे तो क्या होगा, बंधन का कारण बनेगा, लेकिन जब हम भगवान की ऐसी कथा सुनेंगे हमारे मन किस चीज में रम जाएगा, भगवान में रम जाएगी हमारी मन, बस मोक्ष महामुनिस, उसको फल क्या है, भगवत चरण में प्रेम भक्ति भगवत धाम की प्राप्ति, इसलिए यहाँ कह रहे हैं भगवान ऐसे क्यों कर रहे थे,
भले केवल जीव को उद्धार करने के लिए, अगर ये लीलाओं को कोई श्रवण करे तो उसका फल क्या है? उसका जन्म मृत्यु का बंधन, कर्म बंधन उसकी समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, बोले जे प्रसाद पाइले न जानवी जमुना नरेंद्र जल रहिलो सही भाग्य सीमा। आज जे प्रसाद श्री जानवी यमुना को प्राप्त हुआ, जिस समय भगवान कृष्ण जब यमुना में उन्होंने लीला की है, यमुना उन्होंने लीला की यमुना में, इतने में यमुना गंगा दोनों कही नहीं है, यमुना बड़ी बहन, गंगा छोटी बहन, इसलिए छोटी बहन बड़ी बहन की कह रही है, बहन तो कितने सौभाग्य पाए, कहा भगवान श्याम सुंदर तुम्हारी जल में जल विहार कर रहे हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं, और कैसे बच्चों को साथ में, अपना दोस्त को साथ में, गोपियों को साथ में, कितने सुंदर सुंदर लीला करते, तो कितने भाग्यवान हो, भगवान तुम्हारी लीला करते। तब यमुना कहती है, गंगा तुम चिंता मत करो, है गंगा तुम चिंता मत करो, अभी जब कलयुग आएगा, यही कृष्ण ही कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के हैं, कहते कहां पर आएंगे, बोले श्री नवद्वीप में आएंगे, और उसी समय में भी जैसे यहाँ पर ग्वाल बाल को साथ में, सखियों को साथ में लीला करते थे, वहां पर भी ऐसे अपना भक्तों को लेकर के लीला करेंगे। और जिस समय क्या होगा, तुम लहरी को है, जब महाप्रभु लीला कर रहे थे, गंगा प्रसन्न होकर अपना लहरी से भगवान ऊपर उठा रहे थे, नीचे उतार रहे थे, ऊपर उठा रहे थे नीचे, इतने में समुद्र भी कभी यमुना को बोले, गंगा को बोले, बोले गंगा तू कितने भाग्यवती हो, देखो महाप्रभु कितने सुंदर लीला कर रहे हैं। गंगा कहते आप चिंता मत करो, यही गौरहरिपुरी में आएंगे, यही गौरहरिपुरी में आएंगे, आकर क्या करेंगे अपना भक्तों के साथ में समुद्र में, यही पर उन्होंने जल विहार करेंगे, ये सौभाग्य तुम्हें भी प्राप्त होगी, इसलिए चिंता मत कर महाप्रभु, सबको उन्होंने सौभाग्य प्राप्त करवाया। इसलिए कहते नरेंद्र जल रहिला सही भाग्यवान, इसलिए नरेंद्र सरोवर में आचमन लेने से क्या होता है, अभी भी महाप्रभु का चरणामृत अद्वैत आचार्य नित्यानंद गदाधर स्वामी का चरणामृत उसमें भी विद्यमान, इसलिए हम क्या करते हैं, चरणामृत लेते हैं, और भगवान उसमें नौका विलास भी, भगवान की नौका विलास भी होता है। अभी सारे भक्त लोग स्नान करके श्री जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए आए, और उन्होंने जब जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे, भक्तों का आंखों से आंसुओं से आंसू निकल रहा था, हैं? बोले क्यों, बोले एक तरफ में सचल जगन्नाथ और एक तरफ में अचल जगन्नाथ, जगन्नाथ जगन्नाथ को दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी दर्शन कर रहे हैं, बोले क्यों, जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं हम तो साधारण रूप में, लेकिन महाप्रभु क्यों दर्शन करते हैं, हम महाप्रभु यहीं पर आकर क्यों रहे, कारण क्या है, उन्होंने कहते जिस भाव को उन्होंने गोलोक वृंदावन में भी, इसलिए हमारे श्री क्षेत्र में कहते हैं जैसे वृंदावन का बड़ा महत्व है, लेकिन महाप्रभु जब श्री पुरी में आए और पुरी में रहे, इसलिए कहते हैं किसी स्थान की जब कोई महिमा गाई जाती है ना, तीन चीज को तरह किसी स्थान की महिमा को समझनी चाहिए, स्थान काल और पात्र, ये तीनों दृष्टि से किसी स्थान की महिमा को हमको समझना पड़ेगा, स्थान या श्री क्षेत्र है, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, क्षेत्र मतलब राधा रानी का प्रेम को द्वारा जो क्षेत्र संपूर्ण प्लावित है, ये श्री क्षेत्र है, इसलिए ये साधारण भूमि नहीं, श्री मतलब स्वभाव, श्री मतलब संपत्ति, श्री मतलब जस, श्री का बहुत सारी मतलब है, कहते यहाँ पर उनका ये क्षेत्र, कहते काल, काल मतलब ये जो कलयुग, कलयुग कौन सा कलयुग, ये साधारण कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग है, ये धन्य कलयुग में जिसमें बड़े बड़े देवता लोग भी सत्य त्रेता द्वापर सत्य युग को कृत्य युग मानी गई है, क्योंकि धर्मचार्य चरण में था, त्रेता युग राम राज्य, कहते जहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई दुख कष्ट नहीं था, राम राज्य कहते हैं, भगवान पशु पक्षियों का भी दुख कष्ट नहीं था, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम हो वो भी भगवान को प्रार्थना करते थे, उनका भी दुख कष्ट प्रभु समझते थे वाणी को, द्वापर युग में तो स्वयं पूर्ण ब्रह्मा है, लेकिन उसी युग का लोग भी इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते, क्यों,
जिसमें से सचिनंदन गौर हरि आए और उन्होंने सबको वो दुर्लभ प्रेम ब्रह्मा शंकर आदि का जो प्रेम दुर्लभ वो प्रेम को उन्होंने सबको दिया। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की। इसलिए कहते ये कहते स्थान काल, काल क्या है धन्य कल जो बोले पात्र, पात्र मतलब है जैसे राधा कुंड को सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कारण क्या कहते वहां जो स्थान राधा कुंड श्याम कुंड काल वन बध्यान लीला और जो पात्र है केवल वहां पर स्वपक्ष गोपियों को लेकर भगवान वहां पर जल विहार किया है। स्वपक्ष कहते यहाँ पर भी किसको किसको साथ में लेकर के महाप्रभु लीला क्या किया साक्षात श्री स्वरूप दामोदर कौन है, स्वरूप दामोदर श्री ललिता सखी राय रमन जी कौन है इसका सखी श्री रूप गोस्वामी यहाँ पर रूप मंजरी सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी है। ये लोगों को लेकर के हरिदास ठाकुर कहते इनको लेकर के महाप्रभु यहाँ पर उन्होंने गंभीरा में लीला किया। इसलिए कहते जो जो स्थान है जो पुरी का जो स्थान है इसका भी महत्व कम नहीं। यहाँ पर भी सारे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा श्याम शुद्ध राधा गिरधर सब श्री वृंदावन धाम श्री क्षेत्र धाम में। इसलिए और हमारे गुरुदेव भी यहीं पर रहे हैं, यहीं पर भजन साधन किया विप्रल रस को आस्वादन किया महाप्रभु भी गंभीरा में। कहते जो चीज को वो गोलोक वृंदावन में भी जो इच्छा पूरी नहीं कर पाए वो इच्छा पूरी किया तो कहाँ पर इच्छा पूरी किया क्षेत्र क्षेत्र में पूरी किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए एक तरफ में अचल जगन्नाथ और दूसरे तरफ में सचल जगन्नाथ है। सचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं क्यों जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है उनको पता है ना ये स्वयं राधा जी महाप्रभु जिस भाव को आस्वादन करने के लिए आए जगन्नाथ उसी भाव से ही ये दर्शन। इसलिए महाप्रभु वो इच्छा को उन्होंने यहीं पर पूरी किया और वहां पर रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करना है जगन्नाथ दर्शन करना आरती दर्शन करना जगन्नाथ जी की सब रोज यहाँ करके जगन्नाथ जी की सब कुछ दर्शन करते थे। इसलिए यहाँ पर दोनों दोनों को दर्शन कर रहे हैं। इसलिए सबके सब इसलिए अभी यहाँ पर और काश्यप मिश्र उन्होंने क्या किया जगन्नाथ जी का प्रसाद माला लाया ला करके जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे उनको उन्होंने प्रसाद माला उनको पहनाया। अभी यहाँ पर तुलसी का कितना महत्व है भक्ति जगत में ये महाप्रभु स्वयं अपना जीवन में आचरण करते हुए उन्होंने महिमा बताया। कहते वैष्णव तुलसी गंगा प्रसाद भक्ति तेहो से जाने न अन्न नाही कसे शक्ति। कहते जो वैष्णव हम कहते ना महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतंग राजन विश्वास जिसका अल्प पुण्य वाले व्यक्ति ये चार चीजों में उनको विश्वास नहीं होता। बोले किसको है महाप्रसाद में यहाँ पर भी वही बात प्रसादे गंगा तुलसी और वैष्णव ये जो चार ही ये तदीय वस्तु है। इसलिए भगवत अभिन्न वस्तु और ये चार स्थान में भगवान का निवास है। तुलसी में भगवान का निवास, वैष्णव का हृदय में भगवान का निवास, गंगा भगवान की चरणामृत उसमें भगवान की निवास है और प्रसाद भी भगवत स्वरूप प्रसाद है। कहते तेहवा से जाने न अन्न नहीं से सकते। कहते ये इसका महिमा कौन जानता है कहते भगवान को पता है महाप्रभु को पता है ये जो चार वस्तु है उसमें क्या शक्ति है कहते महाप्रभु को ही पता और उसको ये महिमा पता नहीं। इसलिए तुलसी भक्ति वे सुनो मन दिया जे रूप कहिले ने लीला तुलसी लैया। यहाँ पर श्री वृंदावन दास को सबको सावधान कर रहे साधु सावधान क्या साधु सावधान है कहते कहते इसको मन दे करके सुना है मन दे करके सुना। बोले क्यों बोले भगवान स्वयं ये तुलसी को लेकर उन्होंने क्या लीला किया भगवान ने है क्या लीला की। बोले एक खुद्र भांडे दिया मृतिका पुरिया तुलसी देखे देखे न सही घटे आरोपिया। महाप्रभु एक पात्र लिया
पात्र में उसमें मिट्टी रख लिया, मिट्टी रख करके उसमें महापुरुष स्वयं तुलसी वृक्षों को स्वयं अपने हाथों से बो देते, रोपण करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष लगाते हैं, जो तुलसी वृक्ष लगाते हैं वो क्या करते हैं, अपना हृदय में ही कृष्ण भक्ति रूपी जो बीज को अपना हृदय में उन्होंने बपन करते हैं, है? अपना हृदय में कृष्ण भक्ति बीज को बोते हैं। इसलिए तुलसी देखा ना घटे आरोपिया, बोले प्रभु बोले आमी तुलसी रे दे, ना ना देखले भालो नाही बास जन मत्स्य बिन जले। महाप्रभु कह रहे हैं कहते अगर तुलसी का दर्शन नहीं होना, जैसे एक मछली जल के बगैर रह नहीं सकते हैं, उसी तरह मैं भी ये जब तक ये तुलसी को दर्शन नहीं करता हूँ मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमारे मंदिर में क्या होता है, रोज शाम को भी तुलसी परिक्रमा, सवेरे भी तुलसी परिक्रमा, तुलसी में पानी दान, तुलसी आरती, ये सब करते हैं ना, क्योंकि ये चीज महाप्रभु ने स्वयं ये चीज को उन्होंने महाप्रभु ने ये चीज को उन्होंने शिक्षा दिया है। बोले जबे चले संख्या नाम करिया ग्रहणे तुलसी लया अग्र चले एक जने। महाप्रभु जब चलते हैं कैसे चलते हैं, एक व्यक्ति तुलसी का जो पौधा है सर पर रख करके सामने चलते हैं और महाप्रभु तुलसी को दर्शन करते करते चलते हैं। इसलिए हमारी परिक्रमा में ठाकुर के साथ में तुलसी चलता है और किसके अब देखना कि हमारे गौड़ियों वैष्णव में जो परिक्रमा होता है एक व्यक्ति तुलसी पौधा लेकर सर पर चलता है, तुलसी को लेकर चलता है और भक्त लोग क्या करते हैं तुलसी को दर्शन करते 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 चलते हैं। इसलिए महाप्रभु तुलसी दर्शन करते 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 चलते ही पश्चात चले न प्रभु तुलसी देखिया पड़े न आनंद धारा श्री गंगे बहिया। कहते महाप्रभु जब ये तुलसी को दर्शन करते हैं कहते उसी समय में महाप्रभु बड़े प्रसन्न होकर के उनकी आंखों से अश्रुओं की झरी बहती है। बोले संख्या नाम लय तेजे स्थाने प्रभु बसे तथा ये राखे न तुलसी रो प्रभु पासे। जब हरिनाम करते हैं कैसे हरिनाम करते हैं, इसलिए तुलसी वृक्षों को सामने रख करके और तुलसी को दर्शन करते 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 हरिनाम करते हैं। इसलिए आप देखना अगर मन चंचल हो रहा है, हरिनाम कर रहे हैं मन हरिनाम में लगी नहीं रहा है किस तरह से है, मन इधर उधर भटकता है, तुलसी को सामने रख तुलसी वृक्षों को सामने बैठ करके हरिनाम कर। जब हम तुलसी दर्शन करेंगे, एक तो तुलसी क्या है कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवती नमः, और तुलसी क्या है तुलसी में भगवत निवास है, भगवान की है भगवान की। और तुलसी क्या करती है, ये दुति का काम करती है, कृष्ण और राधा रानी ये दोनों को ये मिलन कराने वाले ये तुलसी है। इसलिए स्वयं तुलसी क्या उन्होंने भिक्षा रूप लेकर के जीव के कल्याण करने के लिए इस जगत में तुलसी आए। इसलिए बोले दृष्टा स्पर्शा तथा ध्याता, दृष्टा केवल दर्शन करने से, स्पर्शन करने से, ध्यान करने से, रोपण करने से, सेवा करने से ये तुलसी जीव का कल्याण करती है। इसलिए महाप्रभु जब हरिनाम करते हैं तुलसी को सामने से रख करके उनको देख करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे है। बोले तुलसी रे देखन जपेन संख्या नाम ये भक्ति जोगर तत्व के बूझी वे आज। यहाँ कह रहे हैं बोले तुलसी देखन जपेन संख्या नाम, महाप्रभु जब संख्या नाम करते हैं तुलसी को दर्शन करते करते संख्या नाम करते हैं, बोले इसका जो भक्ति का जो तत्व है उसको कौन भगवान के बगैर इसका महिमा को कौन जान सकता है। इसलिए पुनः सही संख्या नाम संपूर्ण कर लिया चले ईश्वर संगे तुलसी लैया। जब महाप्रभु चलते हैं इस साथ में तुलसी वृक्ष भी ले चलते हैं, जहाँ बैठते हैं तुलसी को सामने रख करके हरिनाम करते, जब चलते हैं अरे तुलसी वृक्ष को लेकर साथ में भी तुलसी वृक्ष लेकर चलते हैं। तुलसी की कितने महिमा तुलसी की, बोले जे शिक्षा गुरु नारायण जे पराए शिक्षा ताहे मानसे जे जन पाए रख्या। बोले जे शिक्षा गुरु नारायण जे कराए शिक्षा, इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कौन है कहते शिक्षा गुरु रूप में
स्वयं भगवान यहाँ पर शिक्षा देते हैं, बोले तहारे मान मानय जय जन पाए रखिया। यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति ये शिक्षा को अपना जीवन में ग्रहण करता है वही व्यक्ति ही केवल रक्षा मिलेगा, और पर जो इसका जो अपना जीवन में आचरण नहीं करेगा उसको रक्षा नहीं मिलेगा। इसलिए तुलसी सेवा करनी चाहिए हैं। बोले यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु हैं कैसे भक्तों लोगों को कैसे देखते थे, कितना प्रेम महाप्रभु का भक्तों के प्रति। यहाँ पर कह रहे हैं जैसे पुत्र है पुत्र को पिता कैसे देखता है, कितने प्यार करता है, इसलिए महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं पुत्र पर अपना भक्तों को महाप्रभु प्यार देते हैं, हैं? और वहां पर दो तरह के भक्त हैं, एक गौड़िया और एक है उड़िया, एक उड़िया और एक है गौड़िया, दो तरह का भक्त। उस समय में हमारे साथ उत्तर प्रदेश से उस तरफ से हिंदी भाषी भक्त शायद इतना कोई नहीं थे, उस समय में गौड़िया और उड़िया ये दो भक्त है, हैं उड़िया और गौड़िया, इसलिए ये दो तरह का भक्त। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जो उड़िया और जो गौड़िया भक्त है ये दोनों आपस आपस में मिलजुल के थे, सबके सब बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे, ऐसे नहीं है तुम कहाँ से आए बंगाल से, बोले तुम कहाँ से भी आए अलग अलग सब नहीं। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त लोग के अंदर में ये सब चीज नहीं होता है, हम जब एक गुरु जी के पास में हम आए हैं हम आपस में गुरु भाई लगते हैं, क्या लगते हैं गुरु भाई लगते हैं, हम एक ही इष्ट को ही हमारी एक ही इष्ट हम सबके सब उनको आराधना कर रहे हैं। इसलिए जैसे श्री जीव गोस्वामी के पास में जैसे नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास है तीनों सबके सब रह करके वहाँ पर विद्या अध्ययन शास्त्र अध्ययन भजन की शिक्षा प्राप्त करते थे, यहाँ पर कह रहे हैं दोनों मिल करके एक साथ में बड़े प्रीति पूर्वक रहते थे, कुतूहले मतलब बड़े आनंद पूर्वक भक्त रहते थे, इसलिए भक्तों के अंदर में भेद नहीं रखनी चाहिए, भक्तों के अंदर भेद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं एक बहुत अच्छी बात यहाँ बता रहे, बोले श्वेत दीप निवासी वो जनते का वैष्णव चैतन्य प्रसाद देखे लेना लोक सब। यहाँ पर कहते श्री श्वेत दीप निवासी जनते का वैष्णव कहते ये अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित श्री गदाधर और श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद जितने सब भक्त वहाँ वो कहाँ के निवासी है, बोले श्वेत दीप महाप्रभु धाम सबके सब श्री महाप्रभु के धाम के भक्त हैं, इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सफार सदस्यो धाम सहबधने, जब भगवान आते हैं पूरा धाम समेत भक्तों को लेकर के धाम समेत उन्होंने इसी जगत में धाम समेत आए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहाँ श्वेत दीप महाप्रभु का दिव्य धाम है और वहां से जो तो भक्त है कहते अभी यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब के सब दर्शन कर रहे हैं, नवदीप भाषी भक्तों को सब दर्शन कर रहे हैं। बोले श्री मुखे अद्वैत चंद्र बारंबार कहे ये सब वैष्णव देवता रो दर्शन है, कितना बड़ी बात कह रहे हैं अद्वैत आचार्य, उनको पता है ना इनको पता है अद्वैत आचार्य क्योंकि जब उन्होंने शंकर जी के रूप में जो रासों में प्रवेश करना चाह रहे थे उन्होंने गोपी रूप भी धारण कर लिया लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए, रोक दी गई उनको रोक दी गई अंदर में प्रवेश नहीं कर पाए, कहां शंकर स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महादेव उन्होंने गोपी रूप भी धारण किया लेकिन वहां बैठ करके दर्शन तक भी नहीं कर पाए, उनको निकाल दिया वहां से चौकीदार जगह, इसलिए गेट की भर बन गए। इसलिए बोले महाप्रभु बोले जब कृष्ण बोले जब महाप्रभु का रूप में आएंगे तब श्रीवास अंगन में दोनों हम गलवैनिया दे करके दोनों संकीर्तन रास में प्रवेश करेंगे। इसलिए अद्वैत आचार्य जी यहाँ पर बारंबार कह रहे हैं कहते आज जो वैष्णव लोगों का हम दर्शन कर रहे हैं देवता लोक के लिए भी ऐसे वैष्णव का दर्शन दुर्लभ है, शंकर स्वयं शंकर है ना कहते मेरे मैं भी प्रवेश स्वयं देव देव महादेव होकर मैं भी स्वयं प्रवेश नहीं कर पाया था, इसलिए कहते ये सब वैष्णव कहते हैं देवता लोगों के लिए भी ये दृश्य न है,
वो भी ये सब चीज को दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसे चैतन्य महाप्रभु कृपा से ही ये सब वैष्णव का दर्शन महाप्रभु की कृपा से ही सब के सब हो रहे हैं। अतः श्री महाप्रभु के साथ में सबके सब स्वर्ग दिव्य से आए, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अतएव जन्म मृत्यु वैष्णव नाई संग आए से न संग जाए न कथा, इसलिए न जन्म कर्म बंधनम वैष्णव चाहते, इसलिए वैष्णव का जन्म कर्म नहीं, ये क्या भगवान की इच्छा से भगवान का लीला को पूरी करने के लिए वो लोग वृंदावन से आते हैं, जो लीला समाप्त हो जाते हैं फिर भगवान को साथ में ये सब के सब भक्त चले जाते हैं, इसलिए कहते भक्ति करी जे सुनाए ये सब आख्यान भक्त संग तारे मिले गौरव भगवान। लास्ट में श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जो हमने जो कथा हमने सुनाया है, हैं भक्ति करी जे सुनाए ये सब आख्यान, अगर इस कथा को कई भक्ति पूर्वक इस कथा सुने भक्त संगे थारे मिले गौर भगवान, कहते भक्तों को साथ में उनको श्री चैतन्य महाप्रभु उनको प्राप्त होते हैं। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, इसलिए अक्सर करके ना हमारी जो गौरी मठ में ये चैतन्य भागवत पढ़ते चैतन्य, क्योंकि वो ऐसे के ग्रंथ है जिसमें केवल भक्ति की महिमा प्रेम की महिमा है, और कैसे एक वैष्णव वैष्णव में कैसे प्रीति प्रेम सद्भाव होनी चाहिए इसमें सब, जिन्हें कहते निरंतर पाठ बले कुबुद्धि जाए वे चले कृष्ण प्रेमे लभी वे प्रपद, चैतन्य भागवत को अगर हर समय निरंतर पाठ बले, अगर कोई हर समय वृंदावन दास ठाकुर कहते उसको कोई पाठ उसको करे ना बोले कुबुद्धि जाए वे चले, उसका हृदय से सारे कुबुद्धि नष्ट हो जाएगा और कृष्ण प्रेम लभी वे प्रमोद, एक दिन उसको कृष्ण प्रेम होगा। इसलिए मैं जब पहले पहले आया ये चैतन्य भागवत को मैं को जब मेरा बहुत सेवा था मंदिर में गुरु जी के मंदिर में बहुत सेवा करता था, अगर मेरे को कभी समय मिलता था मैं ये चैतन्य भागवत पढ़ता था नाथ मंदिर में, और पढ़ कर के हमको रोना आता था, रोता था चैतन्य भागवत पढ़ पढ़ कर मैं रोता था, क्योंकि उसमें सुंदर सुंदर महापुरुष के भक्तों की बड़ी प्यारी प्यारी कथा इसमें कथा है, इसलिए ये प्रेम और भक्ति देने वाले। इसलिए कल ये चैतन्य चरितामृत नवो अध्याय तक ना लास्ट, इसलिए कल ने ये कथा इसलिए कल भी समाप्त भी हम जाएंगे, आश्चर्य जवाब है, इसलिए कल भी ये समाप्त होने वाले हम जा रहे हैं और समाप्त भी हो रहे हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, सपरिकर गौर हरि की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। इतना मैंने इसको जो नोट किया था ना सोच नहीं सकते, पूरा चैतन्य भागवत पढ़ कर भी सारे प्रभुपाद का सारे टीका को जो मैं टीका उसको मैंने उसका लाई और मैंने टीका और उसको सार रूप में मैंने कोशिश किया, बहुत परिश्रम किया था, किसी समय से आप यही पर ही शुरू किया और यहीं पर समाप्त हुआ, इसलिए जो इतना जो परिश्रम किया था लिखने का यही सार्थक था हो गया, इसलिए मेरा भाग्यवान है जो कितना परिश्रम किया था परिश्रम यहीं पर सार्थकता हुआ है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.